नमस्कार, ओम शांति। मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज के हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में महिलाओं के लिए ऑनलाइन वेबिनार डिस्कवरिंग योर सेल्फ विषय पर चर्चा। संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती हुई चर्चा में शामिल। ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो ला रहा है अनोखी वेमेन सीरीज, महिलाओं के सशक्तिकरण का होगा आगाज। इंटरनेशनल विमेंस डे के चलते गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में डिस्कवरिंग योरसेल्फ विषय पर महिलाओं के लिए ऑनलाइन वेबिनार आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बी के जयंती, ओआरसी की निदेशिका बी के आशा, महिला प्रभाग की अध्यक्षा बी के चक्रधारी, प्रसिद्ध लेखिका समाज सेविका एवं पर्यावरणविद डॉक्टर वंदना शिवा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्षा शीला काकड़े, JSL लाइफस्टाइल के प्रबंध निदेशिका दीपिका जिंदल, सिटीजन फाइनेंस ग्रुप एरिजोना USA की मार्केटिंग टेक्नोलॉजी हेड डॉक्टर श्रुति सक्सेना, विश्व मानवता आयोग की राजदूत प्रिया कौशल समेत कई जानी मानी हस्तियां इस चर्चा में शामिल हुई। अध्यात्म और राजयोग ऐसे दो टूल हैं जिसके माध्यम से नारी साधारण से असाधारण बन सकती है। अध्यात्म जहां नारी को उसकी सत्य पहचान देता है, तो वही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास नारी के अंदर छिपी आंतरिक शक्तियों को और सुंदरता को जागृत करता है। इसी आध्यात्म और राजयोग के बल से नारी अपने अंदर के देवत्व को भी जागृत कर सकती है, अपनी सर्व समस्याओं को समाप्त कर सकती है, अपना खोया हुआ वजूद पा सकती है, सफलता की नई उड़ानें भर सकती है। ऐसा कहना रहा संस्थान की सीनियर राजयोगिनी बहनों का। मैं ऐसा समझती हूँ कि माताओं का आज के समय में बहुत श्रेष्ठ रोल है, क्योंकि माता में पालना का संस्कार और आज नैतिकता के पथ पर चलने वाले के लिए एक माँ की पालना आवश्यक है। जब तक उसे लगातार ये पालना नहीं मिलेगी, उनके संस्कारों में परिवर्तन नहीं। बिगिनिंग द डे with time for the self, for meditation. Secondly, feeding the mind powerful, inspirational, spiritual truth that is available in so many different ways. And so that really nourishes the soul. We are aware of the nourishment the body needs, but the awareness that I have to study something every day that's going to be inspirational and uplifting is absolutely vital. And the third thing that I'd like to say is, really, let me stay away from criticism, comparison, because all of these things lead to competition and conflict. And so none of that. Every single individual has their own particular role, and the diversity that Dr. Shiva spoke about at the beginning is such a beautiful thing to think about. सम्मेलन में मौजूद जानी मानी हस्तियों ने भी नारी सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी सुझाव दिए और ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा समाज उत्थान के कार्यों की सराहना की। We are womanly beings, we are shaktis. This is the time for shakti to awaken and spread love, compassion and absolutely refuse the virus of hate and fear and subjugation. With Baba's ज्ञान एंड द गाइडेंस दैट ही गिव्स, यू नो, इट्स इट इज हेल्पिंग यू। आई एम स्टिल अ बिगिनर, आई हैव जस्ट बीन इन टू बाबाज ज्ञान फॉर 9 months, बट आई कांट टेल यू दैट इट्स ओपन सो मेनी डोर्स फॉर मी इन सच अ वे दैट यू नो दैट आई एम गोइंग टू बी दैट फरिश्ता दैट आई वॉन्ट टू बी। दैट्स माई गोल इन लाइफ, बिकॉज आई गॉट अ गोल्स, दीज आर स्मॉलर गोल्स इन योर लाइफ, यू आर टू डू वॉट यू आर टू डू, बट देर इज दिस बिग लार्ज गोल दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस that we all want to go towards. When I finally arrived at our BK, and then it was like whatever we were running for our entire life, in terms of all our questionnaire, day-to-day life, or in terms of, it's like the true word, rest in peace, I would say, RIP, which we would normally say when aborted out. But then I feel that
our this system of the Raj Yoga actually put entire gamut to peace. So now everything is so stabilized, and your vibrations also get so much stabilized that you realize it with your team and with all your professional people that are around you, who are actually also noticing change in you. ब्रह्मा कुमारी संस्था के गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नई विमेन सीरीज मुस्कान व्हेन द सोल स्माइल्स लॉन्च करने जा रही है, जिसमें जानी मानी महिला हस्तियों की प्रेरणादायी सक्सेस स्टोरीज होंगी, कुछ उनके महत्वपूर्ण सुझाव होंगे। विविध क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियाँ एक मंच से आगाज करेंगी, बहुत जल्द ही देखेंगे पीएम टीवी चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा 50-100 नहीं मगर 200 एपिसोड बनेगा और भारत नहीं किंतु समस्त विश्व की बहनों के लिए इस कार्यक्रम से हमें लाभ होगा। आशा करता हूँ जो हमें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बहनों के लिए जो कुछ मिला हुआ है परमात्मा के द्वारा, वो हम सारे संसार में बांटना चाहते हैं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति। परमात्मा शिव के अनन्य बच्चों यानी ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों ने देश भर में एक पिता परमात्मा शिव के अवतरण का संदेश देने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, प्रभात फेरी, चैतन्य झांकियां, सर्वधर्म सम्मेलन, स्नेह मिलन जैसे कई विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसकी झलकियां हम स्टेट बाय स्टेट आपको दिखाएंगे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हरियाणा के नारनौल, करनाल, रोहतक सिटी और अन्य जगह की तस्वीरें, जहां नारनौल में आयोजित कार्यक्रम में आज गुरुकुल खानपुर के आचार्य प्रद्युमन महाराज, संत सुरक्षा मिशन वृंदावन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र देव महाराज, संस्थान में धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के रामनाथ, यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बी के सुरेश, नारनौल क्षेत्रीय संचालिका बी के रतन समेत 2000 से भी अधिक लोग उपस्थित रहे। अब आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल की तस्वीरें, जहां आप देख रहे हैं पहली तस्वीर कोलकाता के बेहाला से, वहीं दूसरी तस्वीर कोलकाता म्यूजियम, बारा नगर और दुत्ता पुकुर की, जहां बेहाला सेवा केंद्र द्वारा विशाल शांति यात्रा निकाली गई, जिसके द्वारा लगभग 12,000 लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया। अब आप देख रहे हैं गुजरात के नवसारी स्थित मरौली सेंटर की, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अहमदाबाद के वत्व, ईशानपुर, वस्त्रापुर और राजकोट के मेहुल नगर की तस्वीरें, जहां सुंदर चैतन्य झांकियां लगाई गई। ये रही तस्वीरें मुंबई के सांता क्रूज और कल्याण वेस्ट की, और साथ में है महाराष्ट्र के हुपरी और पुणे के सांगवी की तस्वीरें, जहां सांता क्रूज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व महापौर अलका बेन खेलकर, कॉरपोरेटर हेतल बेन गाला और सांता क्रूज सब जोन प्रभारी बी के मीरा उपस्थित रहे। वहीं कल्याण वेस्ट द्वारा अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन कर सैकड़ों लोगों को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी दी गई। अब देखिए ओडिशा के भुवनेश्वर के बीजेपी नगर और प्रभु उपवन सेवा केंद्र द्वारा अनेक स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों की तस्वीरें, और साथ में है कटक के विश्व शांति सरोवर और भद्रक सेवा केंद्र की तस्वीरें। यही झंडा इस दुनिया में सुख शांति बरसाता है। अब तस्वीरें कर्नाटक की, जहां बेलगावी के महंतेश नगर, बेंगलुरु के जेपी नगर, कमाना हली, कुन्नूर की तस्वीरें और साथ है बीदर के रामपुर कॉलोनी की झलकियां। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा, सिकंदराबाद के वेस्ट मरेडपल्ली, दिल्ली के ओम विहार, गुरुग्राम के पालम विहार,
हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ, उत्तराखंड के कोटद्वार, गोवा के पणजी, पंजाब के बरनाला और समराला, नेपाल के वीरगंज और बुटवल, असम के शिवसागर और तिनसुखिया, बिहार के गया और मीरगंज, छत्तीसगढ़ के धमतरी और बालोदा, झारखंड के हजारीबाग और जमशेदपुर और नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा की में आयोजित हुए कार्यक्रमों की तस्वीरें। उनका ज्ञान शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान, सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें और पीस न्यूज बुलेटिन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।